बहुत ही क्यूट बच्चा है, इधर बैठा हुआ है अपने घर के बाहर। और माशाल्लाह यहाँ के जो लोग हैं ताज़ा फल खाते हैं, और सेहत देखें माशाल्लाह बच्चे की। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, माशाल्लाह पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? स्कूल जाते हो आप? हाँ। अच्छा, शाबाश। अच्छा लग रहा है? यहाँ पर एक मोटरसाइकिल देखी है मैंने, इस पर यॉक की खाल चढ़ाई गई है। ये देखें इसके सींग हैं, ये इसके मुंह वाला हिस्सा है, और इसी तरह ये इसकी दुम भी लगाई गई है। ये हुंजा के गांव की गलियां हैं। ये माँ जी यहाँ पर चारा लेके आ रही है। माँ जी ऐसे, ये देखिए, ये इनका तरीकेकार है यहाँ पर मिलने का। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। पिछले में मिला ना जावे संदेश स्कूल गए इमाम और जा शुक्र का मिला जब आखे इमाम दबे चमजा वक्त बहुत गुजार दिया सोवा बहुत दुनिया का मुकाबला मिला जा मस खड़ा ठीक है ये शुआ जा कुत्ते चावल मांगा नवान इमाम जमाने शुआ मारे थे जावा। ये चारा लेके जा रहे हैं आप जानवरों के लिए? वाशा खे वालो गया तू ना दरा वालो। चले माशाल्लाह जी, चले बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। यहाँ पर आजकल एप्पल का सीज़न है, ये देखें बहुत खूबसूरत एप्पल लगे हुए हैं। ये अच्छी क्वालिटी का सेब है और कुछ दिनों तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह जो पौधे हैं वो एप्पल से भरे पड़े हैं। ये सारा सेबों का बाग है। अभी खाने के लायक है, बहुत जूसी सेब है। सेबों के बाग में ये कुछ चेरी के भी पौधे हैं। अभी इसका सीज़न एंड है, बिल्कुल चेरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पौधों के साथ अभी भी कुछ चेरीज लगी हुई हैं। अभी क्योंकि सीज़न ऑफ है इसका, तो इसकी जो जिल्द है थोड़ी खुश्क हो चुकी है। ये देखें जी, इस तरह से घरों को दरवाजे लगे हुए, ये बड़े सारे पत्थर के ऊपर घर बनाया हुआ। तो ये कितने साल पुराना है? अंकल तकरीबन 350 साल होगा। 350 साल पुराना तकरीबन। हम नीचे उतरेंगे इसमें, ये अभी थोड़ा सा ना उस ज़माने के हिसाब से अभी डिफरेंट हो गया है। अभी लोगों का रहना दूसरे सेकंड फ्लावर है ये, दो मतलब गर्मियों के लिए, मतलब सर ठंड के, मतलब ठंड के लिए ना नीचे वाला मैं आपको दिखाने लगता हूँ, आ जाए मेरे साथ। Yes.
फेस्टून बनाया हुआ है उसको सहारा देने के लिए। ये ऊपर ये इशू भी देखे इस तरह जो उन्होंने ऊपर जब ऊपर जाना हुआ फिर इसको ऊपर से कभी चाबी घूमता था फिर उसको इसको लिए आवाज़ एक उसका राबिता करने के लिए इसको उन्होंने वो बनाया हुआ है। ओके ये दीवार है इसकी। लाइट इधर नहीं आते आते ही नहीं मर्जी या खाना या लाइट के लिए एक दिन शाम को दो घंटा आते हैं वो भी चल जाएगा आएगा चल जाएगा। अंकल जी कितनी उम्र है आपकी? उन्नीस सौ 36 अक्टूबर के पैदाइश है। 1936 की पैदाइश अक्टूबर के अक्टूबर 1936 की पैदाइश है आपकी। मेरे से बड़ा बहुत है 1930 के है। अच्छा 1930 के भी अभी हैं। ओ इधर है लंबरदार है उन्हें उस वो नीचे के है फौज में पढ़ते होकर पीछे न रहे वो 1930 के उसके इबादत नाम है बाप का नाम बाबर जाबिक 50 रुपये महीने में मुश्किल से जमा करता था बहुत सख्त वाला फिल्म विलम होटल मोटा भी सिर्फ रोटी खाया वो 50 रुपये जमा करता अभी 50 रुपये की चाय एक कप इतने प्याला में सर्दी में कुछ नहीं चलता गर्मियाँ तो आप लोगों से निकालना पड़ता है बात सीधा करना है पंजाबी से करना ये किले देखने के लिए आते हैं। और इसी तरह यहाँ जानवर बंधे हुए बकरी बंधी हुई ये सामने नाशपाती लगी हुई है। माशाल्लाह नाशपाती जो है ये फूल तैयार है अभी खाने के लायक है। ये खुबानी लगी हुई है अभी खुबानी का भी सीज़न तकरीबन एंड हो चुका है लेकिन फिर भी दरख्तों पर अभी थोड़ी बहुत लगी हुई है। ये देखें माशाल्लाह जी ये नाज़रीन देखें यहाँ हमजा के लोग जो हैं वो इस तरह खुबानी उतार कर सुखा लेते हैं और फिर ऑफ सीज़न में इनको इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर कई किस्म की जो खुबानी है वो खुशक हो रही है अभी ये देखें ये अभी बिल्कुल ताज़ा इसे डाला गया है और ये अभी थोड़ी खुशक हो चुकी है। ये ज़्यादा खुशक हुई पड़ी है इसमें बेसिकली ये सर कि ये जो यहाँ जो पड़े हैं ये आपके सामने इसको सल्फर पे सुखाया जाता है इसको ना इसको कलर दिया जाता है और ये मार्केट में सबसे महंगे बिकते हैं ये जो केमिकल लगाया जाता है ना ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं लेने वाले जी जी वो भी इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि मार्केट में ज़्यादा महंगे बिकते हैं। इसके बाद इसका एक लोअर क्वालिटी होता है ये इसका थोड़ा लोअर क्वालिटी है उससे ना इसका कलर थोड़ा इससे ख़राब होता है कलर में फ़र्क। फिर उसके बाद ये है फिर इसको आप अगर ज़रा गौर से देखेंगे तो इसका कलर थोड़ा डाउन है उससे जी ना जी ये फ़र्क है इनमें। फिर उसके बाद
हमारे पास जो है ये जो है ये शक्ल से तो आपको खूबसूरत नहीं लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन ये प्योर है। ओके, एज इट इज़ हम सुखाते, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, लेकिन मार्केट में ये जो है इतना ज़्यादा नहीं लेते, ये हम मोस्टली खाने के लिए अपने खाने के लिए करते हैं ये। तो अगर सपोज हम इसको उठाते हैं ना, इसको भी उठाता हूँ मैं और ये इसको भी उठाता हूँ, इनमें आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। जी जी, बहुत फ़र्क है दोनों में ना। जी जी, कलर के हिसाब से बिल्कुल केमिकल है ये, इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के लिए ना ये बेनिफिशियल है, इसमें नहीं है। इसमें क्योंकि केमिकल है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं चलेंगे तो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता है। नवी साहब, ये क्या काश्त कर रहे हैं? ये प्याज है, चाइना गोभी है, ब्रोकली है, अस्पार्क है। ये जो है आइसबर्ग लगा हुआ है। आइसबर्ग? जी, ये आइसबर्ग है। ओके, ये ब्रोकली है जो हम बताते हैं, इनका पुल देखो लगा हुआ है, पत्थर जैसा उसका पुल है। सबस ये ब्रोकली काश्त की गई है यहाँ पर। ये टिंडे लगा हुआ है, टिंडा। टिंडा जी, घर के लिए बस थोड़ा सा लगाया हुआ है। ब्रोकली यहाँ पर काफ़ी पैमाने में काश्त की गई है। माशाल्लाह, ये क्या चीज़ है? ये चाइना गोभी है। okay. इसको बस हम लोग तो वैसे ही खास तरीका हमको पता नहीं है, इसको जो हम आए पानी के साथ धोते हैं, फिर थोड़ा सा नमक डालकर रोटी के साथ खाते हैं, सालन के साथ, सैलड के तौर। जी, ये अभी जो है ना सब खाने का है। okay. जिन को कभी रोटी खाने का वक्त नहीं, इसको बस कटवा के थोड़ा थोड़ा नमक ऊपर डलवाओ बस खाओ। वैसे ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बर्गर वगैरह? ये बर्गर में इस्तेमाल होते हैं, वैसे कच्चा खाते हैं इसको इसी तरह। ये मैंने सुने है गोरे लोग जो बोलते हैं, कि मेरा एक दोस्त है उसने बताया कि जो गोरे लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, जो उसके ऊपर वो आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, इसके खाने की वजह से आँखें वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, ये आइसबर्ग के खाने की वजह से। इस गांव में एक ये शॉप है और यहाँ पर इधर की लोकल डिश शॉप शुरू मिलती है। इसके ऊपर वलने टेंड एप्रिकॉट ऑयल लगाएंगे। ये क्या चीज़ है? ये होनी शहद। ओके, शहद, शहद और ये बादाम एप्रिकॉट ऑयल। अंताना ठीक बोला। और बारान छप शुरू एक दो मिनट फुल बेर आना गोरे गुटे ओनर वाइल ना बुट पते से वाले ठीक से लेकिन देखो बात हां ठीक ठीक है। चलो ठीक है, तब फुल ने बाकी बे हां हम फुल देर पीक होती से मैं कम हुआ जाओ हो मान मुड़ी और तेज वाले हो किनारे जमा उन होल मम मैंने बात को से जा ये भी चॉप शोर बनेगा। इसके अंदर ये क्या डालेंगे आप? चिकन। चिकन, हाँ, चिकन लहसुन अदरक धनिया ओके, चिकन लहसुन अदरक और बाकी जो मसाला जाते हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। कम इन तारे
کام بلوم یه بیشه هم دامو کین انتظاره چون به میام چه جاب شروع ردی ہے اور یہ اور یہ پیچھے دریا ہے چتے ہو نا تیس چتے کین بھر لیتا ہے کین کتنا ہوتا بیس لیٹر کا نہ نہ پچاس باون پچاس باون کلو کا کلو یہ اس میں ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے نا یہی ہے اچھا یہ اس کا سربراہ ہے اس چھتے کا یہ سارا بکس کا سارے باکس کا اور یہ انڈی بھی دیتا ہے نا سارے خالی صرف یہی انڈا دیتا ہے نا بھر گیا یہی ہے یہ ہر بکس میں اب رکھنا ہوتا ہے یہ بیری کا شہر ہے چیک آپ چیک بھی کر لینا اچھا یہ تین قسم کا شہد ہمارے ساتھ ہے سب سے بہترین شہد یہ ہے نا جو بیری کا ہے نا اوکے ہم اس کے لیے لگے ہوتے ہیں نا کہ یہ سیزن ہمارا کامیاب ہو جائے باقی نہ ناکام ناکام بھی ہو جائے یہی ہمارا سیزن ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر یہی ہے نا کہ گرینڈا ہے گرینڈا گرینڈا شہر ہے نا یہ کس چیز بنتا ہے یہ گرینڈا میں نا یہ تقریباً ایبٹ آباد سائڈوں میں بنتا ہے اچھا پہاڑوں کا شہر ہے نا اچھا اور تیسری نمبر یہی ہے نا یہ سفید ہے جو بولتے ہیں نا ہم لاچی بولتے ہیں نا یوروڈون کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو عام شہد ہوتا ہے عام شہد ہوتا ہے بالکل ہاں صحیح یہ اخروٹ کا درخت ہے لیکن اخروٹ ابھی کچے ہیں یہ چھوٹا سا کنڈا ہے بچے کے پاس اس کے ساتھ وزن کرے گا آدھا کلو پوری ہو گئی اور یہاں پر بچے نے خوبانی لگائی ہوئی ہے
और ये कुछ है, पूछते हैं क्या है उसमें। ये धोने के लिए उधर पानी नीचे से डालना पड़ेगा। यहाँ पर पहली दफ़ा मैंने एक चीज़ देखी है, ये लस्सी की रोटी है। ये पूछते हैं भाई से, भाई ये कैसे बनाते हैं आप? ये हम आग में रखते हैं ना, आग में फिर चीज़ से एक चीज़ बनता है, फिर उसको हम करते हैं सब इकट्ठा करके, कुछ वो करते हैं फिर ऊपर वो पत्थर नहीं उसको बराबर के पत्थर के ऊपर रखते हैं, फिर बाद में तकरीबन दिन लग रहा है, एक दिन के बाद यही बनती है। फिर उसको सुखाना पड़ता है ना, चार पाँच दिन लगते हैं उसको सूखे फिर यही। तो ये सिर्फ लस्सी है या इसमें कुछ और भी ऐड किया? नहीं नहीं सिर्फ लस्सी, सिर्फ लस्सी को पकाया है। तो ये कितने की दे रहे हैं आप? 120 की जी। तो ये अब खाएंगे कैसे या इसे कैसे बनाएंगे फिर? इसको तेल में फ्राई करना पड़ता है ना। अच्छा, अभी तेल लिया, अगर तेल गर्म हुआ ना फिर इसको ऊपर रखते हैं, फिर ये लाल लाल सी बनती है, फिर वो पक जाती है।